ये बिल्कुल प्लान नहीं था, लेकिन जाना पड़ रहा है रेकविक आइसलैंड के पुलिस स्टेशन। ये लग रहा है यहाँ से जाके देखते हैं। जब हम लोग प्लान कर रहे थे आइसलैंड आने का, तो समक्ष का सिर्फ समक्ष की एक ही डिमांड थी, गरम है। हम लोग इस टाइम आइसलैंड में हैं और आइसलैंड में अपनी मोटर होम पे हम लोग पूरा रोड ट्रिप कर रहे हैं। अभी आप पहुंचे हैं हम लोग इस जगह पे, एक गोल्डन सर्कल पे, जिसका नाम है स्ट्रॉकर एंड गेजर। गेजर जो है वो एक अंग्रेजी का वर्ड है जिसका ओरिजिन यहाँ से हुआ था। दिस इज़ द ओरिजिनल गेजर। बेसिकली एक गर्म पानी का चश्मा है जो फूटता है हर थोड़ी देर में। अनबिलीवेबल। पानी आता है ऐसे एक्सप्लोजन होता है काइंड ऑफ पानी का। इट लाइक बेसिकली है बॉम्ब है इसके अंदर, फिर एक्सप्लोड करता है और वोल्केनो है और अरप्ट करता है। वाटर वोल्केनो अरप्ट। पुट योर हैंड डाउन, लुक, स्माइल। नो, आर यू कमिंग? सो कूल, मज़ा आ जाता है देख के, जितनी बार देख लो इसको। और ये हमारे पीछे था स्ट्रॉकर, जो कि एक गाइजर है। इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पे मेन गाइजर है। ऐसे ही एक और गर्म पानी का चश्मा है, वो कभी कभी फूटता है। पहले वो ज़्यादा फूटा करता था वो, लेकिन अब बोलते हैं कि साल में 2-3 बार रैंडमली, कोई उसका टाइम नहीं है। ये वाला हर 3-5 मिनट में इरप्ट होता है और पानी बहुत ऊपर तक जाता है। बहुत ही अमेजिंग है देखना इसको। ओके, ये एक और हॉट स्प्रिंग है, सुपर ब्यूटीफुल, पूरा अंदर तक नजर आ रहा है इसके। सी ये पहली जगह है जहां पे मेरे को आइसलैंड का झंडा दिखा है। ऑलराइट, हम लोग आ पहुंचे हैं इस थिंगवेलर नेशनल पार्क में। ये बहुत ही स्पेशल है दो वजह से, एक तो नेचुरल वजह से और दूसरा हिस्टोरिक रीजन की वजह से। हमारी जो धरती है ये अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है और टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसा माना जाता है कि वो मूव करती हैं। आइसलैंड जो है दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बिल्कुल बीच में है, यानी कि आइसलैंड के बिल्कुल बीचों में से नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों आइसलैंड के बीच में से होकर निकलती हैं। और जो दो आपको अलग अलग तरफ जो चट्टाने दिख रही हैं, हम लोग इस समय इन दो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में हैं बिल्कुल। इसका मतलब हम एक तरफ यूरोप है टेक्निकली, दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका है। सो हम इन दो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में हैं और थिंगवेलर नेशनल पार्क दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स आप समंदर के ऊपर देख सकते हो। So it is so cool to see
जब किताबों में पढ़ते थे टेक्टोनिक प्लेट्स और जो शिफ्ट हो रही हैं वो अपनी आंखों से देखना और जियोलॉजी को प्रैक्टिकल सेंस में देखना, दिस इज़ वेरी कूल कि एक तरफ दिस इज़ नॉर्थ अमेरिकन एंड दिस इज़ यूरेशियन प्लेट्स, इट्स अमेजिंग। और इसकी दूसरी एक सिग्निफिकेंस भी है इस जगह की, जब आज से हज़ार साल पहले जब यहाँ पे लोग काइंड ऑफ ट्राइब्स में रहते थे, जब सेटलर्स आए थे यहाँ पे, तो अलग अलग उनकी छोटे छोटे जो गांव थे वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आते थे। और एक माना जाता है कि जो दुनिया की पहली पार्लियामेंट है पूरी दुनिया की वो आइसलैंड में है, सो इसलिए इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर लोग आके अपने जो रिप्रेजेंटेटिव आते थे अलग अलग जगह से, वो यहाँ आके मिलते थे, यहाँ पे अपने वो सारे इश्यूज़ वगैरह रिजॉल्व करते थे और जो लॉज वगैरह अपने बनाते थे वो इस जगह पे करते थे। सो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक ही टाइम पे आप दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में हो। तो हमारा बैग ऐसा सा दिखता था, यही आई थिंक हमारा बैग मोस्ट लाइकली। सो हम लोग अभी जा रहे हैं रेकेविक के पुलिस स्टेशन पे, और जो हमारे को एक फोटो दिखी थी उनके पिंटरेस्ट पेज के ऊपर, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इस नंबर पे कॉल करो और एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। कल सुबह मैंने ईमेल किया था, कोई जवाब नहीं आया। वहाँ पे फोन करते हैं, वो कह रहे हैं हम तुम्हारे को ट्रांसफर कर देते हैं अलग उस पे डिपार्टमेंट में, वहाँ वो ट्रांसफर करते हैं, वो कह रहे हैं हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये तो लॉस्ट एंड फाउंड है नहीं। और पता नहीं कितनी बार हम ट्राई कर चुके हैं, तो अब एक ही रास्ता हमारे पास बचा है कि हमने रेकविक जाना ही है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ब्लू लगून। ये बिल्कुल प्लान नहीं था लेकिन जाना पड़ रहा है रेकविक आइसलैंड के पुलिस स्टेशन। And I have no idea कि पुलिस स्टेशन कहाँ है। तो पुलिस स्टेशन तो पहुंच गया हूँ मैं, ये पुलिस स्टेशन है, पर बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एक्सेस डिनाइड टू अनऑथराइज्ड पीपल। कोई दरवाजे बंद पड़े हैं, समझ नहीं आ रही यार कहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ तो कॉल भी उठाते नहीं है यार, ये लग रहा है। यहाँ से जाके देखते हैं। ऑलराइट, काम नहीं बना, मैं बहुत देर तक यहाँ पे पुलिस वाले के साथ बात करता रहा। बेसिकली जो ये इस तरह की लॉस्ट एंड फाउंड वाली चीज़ें होती हैं वो एक अलग लोकेशन है जहाँ पे वो स्टोर करके रखते हैं, और आज संडे है, संडे को वो क्लोज्ड होती है, कल सुबह ओपन होगी वो जगह। और कल सुबह बोल रहे हैं कि तुम वहाँ जा सकते हो, दे विल गिव यू द एड्रेस, वो मल्टीपल लोकेशन है, दे डोंट नो कहाँ पे रखी हुई है, इसीलिए कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि वो सैटरडे संडे बंद होता है। कल मैंने ईमेल भेजी थी, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उम्मीद पे वैसे दुनिया कायम है लेकिन उम्मीद थोड़ी कम हो गई है अब मिलने की, कि हमारा बैग मिल पाएगा जाने से पहले, क्योंकि कल हमारी फ्लाइट है। मतलब ये ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि हमें पता है कि उनको मिल गया बैग पर हमें, लेकिन हम नहीं ले पाएंगे, मतलब कितनी। जब हम लोग प्लान कर रहे थे आइसलैंड आने का, तो समक्ष की एक ही डिमांड थी, पापा विल वी गो टू ब्लू लगून। इसने किसी वीडियो में देख लिया था, एक्चुअली अभी नहीं, दो साल पहले, और तब से ये डिमांड कर रहा है कि कैन वी गो टू ब्लू लगून। सो हमने ब्लू लगून आखिर वाले दिन रखा हुआ था अपने ट्रिप पे, क्योंकि हम लोग पूरी एक रिंग रोड के ऊपर एक रोड ट्रिप करके आए हैं 8-9 दिन की, फिर हमने गोल्डन सर्कल किया, रेकेविक घूमा, और जाने से एक दिन पहले सारी अपनी थकावट मिटाने के लिए हम लोगों ने आज के दिन बुक किया था ब्लू लगून। चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है ऐसा खास ब्लू लगून में। एक्चुअली ये नंबर वन अट्रैक्शन है आइसलैंड की, सो पार्किंग में देख के पता चल रहा है कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। सो ब्लू लगून एक लगून है, यानी कि काइंड ऑफ अ लेक है, जहाँ पे ये आसपास सारी लावा रॉक्स हैं,
और लावा रॉक्स के अंदर अंदर ये एक लेक बन गई है। दिस इज़ अ मैन मेड लगून, पर इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर जो पानी आता है ये गर्म होता है और वो थर्मल एनर्जी से जो पानी गर्म होता है वो वाला पंप करके यहाँ पे लेके आते हैं। कि यहाँ पे एक जियोथर्मल प्लांट है जहाँ पे बिजली बनाई जाती है और उसका पानी ये आसपास छोड़ देते थे, ये लावा रॉक्स के अंदर रिवर बन गई थी। तो वहाँ किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पे आके नहाया करता था, उसकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो गई। फिर बाद में उन्होंने रिसर्च करी तो उनको पता लगा कि हमारे स्किन के लिए ये पानी बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए तब से यहाँ पे फिर उन्होंने इसको कमर्शलाइज कर दिया और प्रॉपर एक लगून बना दिया जहाँ पर आओ रिलैक्स करो। एक्चुअली आइसलैंड का जो कल्चर है उसके अंदर आउटडोर स्विमिंग पूल और थर्मल बाथ का बहुत बड़ा, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग वहाँ पे आके सोशलाइज करते हैं, गैदरिंग्स करते हैं बाहर नहाते हुए, इनफैक्ट बिजनेस मीटिंग्स भी होती हैं थर्मल पूल्स के अंदर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर कल्चर। अच्छा, ये ऐसा पानी है पूरा मिल्की ब्लू। या सी, दिस इज सो मिल्की ब्लू। ऑलराइट, हमारे को ये बैंड दे दिए गए हैं अलग अलग। सैम इज टाइंग राखी टू चिकू। मैं बांध दूं आपको भी राखी। आजा, कम ऑन कम ऑन। ऑलराइट, हम लोगों ने शावर ले लिया। अंदर जाने से पहले शावर जरूरी है, अभी वेट कर रहे हैं साक्षी की। या पता नहीं वो अंदर चली गई या नहीं। इट इज वेरी वेरी कोल्ड राइट नाउ। गरम है, गरम है। Yes, it's very warm. It's just so good. Really? Yes, you come. Okay, I'm coming. Waiting for mama. So many it's gonna get windy. Yeah. Oh, it's cold. Yeah. Go under there. पानी का टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे जो पानी है ये सारा, इसका जो रंग है मिल्की ब्लू, वो इसके अंदर सिलिका है। कई लोगों को दिखेगा, लोगों ने अपने मुंह पे भी लगाई, हम भी लगाएंगे अभी। तो इसके नीचे पूरा सिलिका का डिपॉजिट है, तो वो उसकी वजह से इसका पानी का रंग आता है मिल्की ब्लू। Get a drink. इस तरफ यहाँ ड्रिंक मिल रही है। Let's go get a drink. All right, चीकू की तो राइड मिल गई है। चीकू, how's your ride? Good. When we came, I got a ride, and now I got a ride. एक ड्रिंक फ्री देते हैं साथ में। दिस इज ग्रीन स्मूदी। फेस मास्क भी मिलता है यहाँ पे, वो एक तरह की मिट्टी है जो मुंह पे लगानी है सिलिका की। अब वो लेने जा रहे हैं पीछे वाले वहां पे। मैं अभी आपको रवीश दिख रहा हूँ 10 मिनट के बाद।
रोशन निकलेगा इसके अंदर से। मेरा तो मास्क सूखने लगे, मेरी स्किन वो हो रही है। ऋतिक रोशन आ गया। How was it? Good. Very fun. Chico, how was it? Very good. Very good? Mm-hmm. All right, फटाफट चेंज करते हैं फिर आपसे मिलते हैं बाहर। समक्ष, how was your experience? कैसा था? It wasn't awesome. It was not? Yeah, it was super cool. Phenomenal, amazing. Good, phenomenal. Fantastic, so incredible. Woohoo! Like five. I think it was very very refreshing. मज़ा ही आ गया। जितनी थकावट थी 8-9 दिन की वो सारी थकावट उतर गई। एंड यस, आपको इसका प्राइस भी बता देता हूँ। दिस वॉज रफली 10,000 क्रोनास, आइसलैंडिक क्रोनास। इसकी कीमत होती है लगभग 100 कैनेडियन डॉलर्स या 80-85 US डॉलर्स पर पर्सन। बच्चे फ्री हैं, विच वॉज़ वेरी गुड। और उसमें आपको एक एक ड्रिंक मिलती है, सिली का जल मिलता है मुँह मुँह पर लगाने के लिए, टॉवल मिलता है और फिर शावर वगैरह की एक्सेस है। How was it? वर्थ इट था बिल्कुल, है ना? सोने के लिए बिस्तर। अब बस ये है कि एयरपोर्ट भी कल जाने का दिल नहीं है, यहीं से हमारी फ्लाइट ले चलो बस अब घर, है ना? Look at the sunset.